साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DK EduWorld पर, जिसमें हम शिक्षा विभाग के नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं शाला दर्पण पर OCR अपलोड हेतु शुरू किए गए न्यू टैब के बारे में, शाला दर्पण पर OCR मैनुअल कैसे अपलोड करें, जो साथी RKSMB के ऐप से OCR अपलोड नहीं कर पाए हैं वे शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से OCR मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से OCR अपलोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाए। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन आईडी पर अपनी स्कूल लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। जो ही आप स्कूल लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें RKSMB के ऐप का जो टैब है, इस टैब के ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे। जो ही RKSMB के ऐप के टैब पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें यहाँ पर एक नया टैब हाल ही के अंदर शुरू किया गया है, RKSMB के OCR एंट्री 2022-23। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस RKSMB के OCR एंट्री 2022-23 पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा, यहाँ केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डेटा अपलोड नहीं है। अर्थात RKSMB के ऐप के माध्यम से जिन छात्रों के OCR आप अपलोड नहीं कर पाए हैं, उनका डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस OCR डेटा को देखने के लिए आप सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उनका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट तथा एग्ज़ाम असेसमेंट। जो ही आप ये सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद में शो बटन को आप दबाएंगे। जैसे ही शो बटन को दबाते हैं तो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से 8 तक की जो भी कक्षा है आप सेलेक्ट करना चाहे उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में उनका विषय हिंदी, इंग्लिश तथा मैथमेटिक्स, जिस भी विषय की आप OCR अपलोड नहीं कर पाए हैं उस OCR को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जिस विषय को सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, उस इंटरफेस के अंदर आपको केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डेटा अपलोड नहीं है। उसके बाद में आप OCR को संबंधित छात्र के सामने एक लिस्ट दिखाई देगी, संबंधित छात्र के सामने जाकर आप उस OCR को अपलोड कर सकते हैं। जिन छात्रों के OCR अपलोड की जा चुकी है उनके सामने स्टेटस के रूप में फ्रॉम RKSMB के ऐप अपलोड कर दी गई है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर अपलोड नहीं है तो एक्शन टैब में OCR अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप OCR को उस टैब के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।